बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के अंदर 9 अगस्त को बहुजन समाज पार्टी के द्वारा एक पैदल मार्च निकाला जाएगा। मध्य प्रदेश में होने वाले लगातार अत्याचार और अन्य मामलों को लेकर ये पैदल मार्च है वो निकाला जाएगा। और सबसे बड़ी बात बताई जा रही है कि इस पैदल मार्च में बहुजन समाज पार्टी की राज्यसभा सांसद रामजी गौतम के साथ मध्य प्रदेश में दलितों पर होने वाले अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मामलों को लेकर बीजेपी की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी 9 तारीख को भोपाल के अंदर एक पैदल मार्च करेगी। और इस पैदल मार्च के अंदर बहुजन समाज पार्टी के तमाम बड़े नेता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इन पदाधिकारियों के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो भी गतिविधियां हो रही है, जितनी भी मध्य प्रदेश की जरूरतमंद आवश्यक जो मांगे हैं, उन तमाम मांगों को लेकर ज्ञापन है वो राज्यपाल के नाम पर सौंपा जाएगा और एक पैदल मार्च आपको बता दें कि निकाला जाएगा। यानी कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतरेगी मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव इसी साल के आखिरी में होने और बहुजन समाज पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। हाल ही के अंदर उन्होंने अपना पहला प्रत्याशी है वो घोषित भी कर दिया है और जिस तरीके की गतिविधियां बढ़ रही है उसके चलते मध्य प्रदेश में पैदल मार्च और ज्ञापन का कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से रखा गया है, जिसमें राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और उनके पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। मिलेंगे कृष्ण वीडियो नई अपडेटों के साथ। आपसे लेते विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना।